और देखूंगी कि आज इफ्तार में क्या बन रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो जी, सारे बच्चे जा रहे हैं। अभी एक बच्चा है जो लग रहा है मुझे नमाज पढ़ने जा रहा है, उसके सर पर टोपी है। कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो चले जी, कार का टाइम क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक, मज़े में। आप सबका रोज़ा उम्मीद है बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर रहा है। इस वक्त असर का टाइम हो रहा है, जहर तो हम सब ने पढ़ ली है, असर की अजान होगी और उसके बाद ज़ाहिर हम सब ने असर की नमाज अदा करनी है। उससे पहले कुछ सूरत हाल घर में ये थी कि हमारे घर में गैस नहीं आ रही थी। सहरी में तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ ने तंग नहीं किया है। हाँ, सहरी से पहले थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो हम परेशान हो गए थे, लेकिन गैस का इशू नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है इफ्तार में हमने देखा कि गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर आना बंद हो गई थी। लेकिन अभी जाके किचन की तरफ देखूँगी कि क्या गैस आ रही है नहीं आ रही, बच्चे क्या कर रहे हैं और इस वक्त बाहर क्या माहौल चल रहा है। अभी कमरे से बाहर निकलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, खुद भी देखूँगी। बच्चे हमारे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है, एक आध ऐसा है जिसका रोज़ा नहीं। तो बस अब कमरे से बाहर जाऊंगी और देखूंगी कि आज इफ्तार में क्या बन रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। और अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे शाने रमज़ान ट्रांसमिशन की आवाज़ें आ रही थी, अब बच्चे क्या कर रहे हैं वो खुद भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इफ्तार से पहले क्या हो रहा है। लेट्स गो। तो जी, ये रहे सारे बच्चे और ये हमारा इब्राहिम, ये हमना, और हमना का तो खैर रोज़ा है, जुनैर का भी रोज़ा है और ये भी रोज़े में, और एक हमारा ये बच्चा है जिसने रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा क्यों नहीं रखा? हाँ, किसने नहीं जगाया? मम्मा ने जगाया था, तुम जागे नहीं। क्यों नहीं जागे? हाँ, आज रखोगे रोज़ा? रखोगे? चलो जी, आज रोज़ा रखेगा, तुम्हारा रोज़ा है और तुम काफ़ी देर से सबको तंग कर रहे हो, ये टिक 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 से सबको तंग कर रहा है। तो जो अभी तक रोज़ा गुजरा कैसा है? आज स्कूल था? नहीं, आज छुट्टी। छुट्टी थी भाई, आज छुट्टी थी। तुम्हारा भी रोज़ा, आज बच्चों ने छुट्टी की है, तुम्हारा भी रोज़ा है। तो कैसा गुजर रहा है रोज़ा? लग रहा है बहुत बुरा। क्या प्यास लग रही है, भूख लग रही है? प्यास लग रही है। तुम स्कूल गए थे? तुम चले जाते क्योंकि तुमने रोज़ा नहीं रखा था। एक बीच में से मिसिंग है रुबाइशा, वो पता नहीं कहाँ है। ये रही हमला, वो स्कूल गई थी जी, उसकी मम्मा से छुट्टी नहीं कराती, उसकी मम्मा उसको छुट्टी नहीं कराती। ये बच्चा, चलो जी अभी असर की अजान हो गई है, हम इसको थोड़ी देर स्टॉप करेंगे क्योंकि हम सारे जो बच्चे हैं वो मस्जिद जाएंगे और हम घर में नमाज पढ़ेंगे, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप करती हूँ। चलो जी, सारे बच्चे जा रहे हैं। अभी एक बच्चा है जो लग रहा है मुझे नमाज पढ़ने जा रहा है, उसके सर पर टोपी है, बाकी जो बच्चे हैं वो मस्जिद में पहनोगे। चलो जी, भागो। बाय बाय। चलो, ये बच्चे जा रहे हैं नमाज पढ़ने, एक बच्चा हमारा अंदर ही रह गया। तो बस अब हम भी जाते हैं और असर की नमाज पढ़ते हैं हम अपने कमरे में। बस जी, नमाज पढ़ के असर की मैं अब आ गई हूँ छत पे। मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे जाया जाए, इतनी कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखे जी, ठंडी हवा, खूबसूरत मौसम, और अल्लाह करे कि रमज़ान के आखिर तक ना, ईद तक यही मौसम रहे, ना सर्दी है ना गर्मी है, मतलब प्रेजेंट वेदर जिसे कहते हैं ना, ये मौसम जिसमें आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर जब छत पे आए तो अच्छी ठंडी हवा चल रही है। बहरहाल जी, नीचे जो है अभी क्या चल रहा है, वैसे तो आमरुद्दीन में यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन अभी रमज़ान में जो है थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि बच्चे जो है वो जैसे ही अजान होती है ना, वो बच्चे मस्जिद की तरफ निकल पड़ते हैं। और अभी असर की नमाज़ पढ़ने सारे बच्चे गए हुए हैं, बस वो पढ़ के आएँगे, उसके बाद फिर मगरिब की अजान हो जाएगी, बस फिर सब इफ्तार करेंगे।
चाट फाइनल हो गई, अब सर्विंग के उम्र है। ये सऊदीया से हमारे साथ और ये क्या डिश बना रही हैं फैजे, कौन सी डिश है? बिरयानी। तो ये इफ्तार में अभी बिरयानी बना रही हैं। ये सऊदीया से हमारे साथ हैं जी, ये देखें। देखो जी, टेबल पे प्लेट्स लगा दी हैं और अभी जो है जब ये प्रॉपर सेट करती हूँ तो फिर भी आपको दिखाती हूँ जी। ये खजूरें रखती हैं। अच्छा जी, ये इफ्तार लग चुकी है। ये चाट, ये फ्रूट चाट, ये पकोड़े, समोसे, पकोड़े खैर अभी बाकी हैं। और ये हो गया जी रोल वोल, और ये मीठे में है कुछ। चले इफ्तार का टाइम क्या है? अभी नहीं। तो बस जी, हम कर चुके हैं अपना इफ्तार और यकीनन आप लोग भी अपना इफ्तार कर चुके होंगे। और अब तलब हो रही है एक कप गर्मा गर्म चाय की, क्योंकि थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है इफ्तार के फौरन बाद, तो उस सुस्ती को दूर भगाएगी चाय। तो चाय का एक कप लाजमी पीना होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तार करने के फौरन बाद चाय ज़रूर पीते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो बस अब चाय पीऊँगी, उसके बाद टीवी देखेंगे, कोई गेम शोज़ वगैरह देखेंगे। और मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त तब तक के लिए। मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना। आपका पहला दिन कैसा गुजरा? रमज़ान का पहला रोज़ा आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या बनाया, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसको रोज़ा लगा, किसको नहीं लगा, ये भी मुझे बताइएगा। मेरा व्लॉग कैसा लगा ये तो आपने ज़रूरी मुझे बताना है। मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस। मुझे दीजिए इजाज़त अगले व्लॉग तक। टाटा बाय बाय।